वेलकम टू जामगढ़। आज है 5 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं सभी के सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के बाद में आपको उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा लीजिए, इससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो आइए आज का इम्पोर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा बंदर जीवाश्म किस देश में मिला है? तो हाल ही में पेरू देश में दुनिया के सबसे छोटे बंदर का जीवाश्म मिला है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। दुनिया के सबसे छोटा जीवाश्म बंदर जिसका नाम था पार्विमिको मैटर देई पेरू के अमेजॉन के जंगल में पाया गया है। ह्यूमन इवोल्यूशन जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार यह जीवाश्म बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी मदद से बंदरों के बीच 15 मिलियन वर्ष के जीवाश्म रिकॉर्ड में अंतर पाया जा सकता है। तो देखिए अब बात की गई है पेरू की, तो पेरू के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। पेरू की राजधानी लीमा है। यहाँ के राष्ट्रपति मार्टिन विजकारा हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री साल्वाडोर डेल सोलार हैं और पेरू की करेंसी सोल है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेरू की करेंसी और राजधानी अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से डॉक्टर विनायक एस हिरमत को सम्मानित किया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। डॉक्टर विनायक एस हिरमत जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अनुकरणीय कार्य के लिए जाने जाते हैं और गुलबर्गा के सबसे कम उम्र के डॉक्टर हैं को प्राइड ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और इस प्रक्रिया ने भारत को गौरवान्वित किया है। याद रखिएगा डॉक्टर विनायक इंसुलिन परामर्श और उपचार प्रदान करने वाले पहले दक्षिण भारतीय डॉक्टर हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इसलिए अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा की स्थापना अयोध्या में की जाएगी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में भगवान राम की एक 251 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात में स्टेचू ऑफ यूनिटी जिसकी ऊंचाई 182 मीटर थी, इस रिकॉर्ड को पार करते हुए दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बन जाएगी। याद रखिएगा अयोध्या में सरयू नदी के पास 100 हेक्टेयर भूमि पर भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह प्रतिमा स्थापना करने की बात बहुत समय पहले से चल रही थी लेकिन हाल ही में योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका ऑफिशियल निर्णय लिया गया है। अब बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, तो इसको मैप में देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के हाल ही में नई राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बनी हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ के दो डिप्टी सीएम भी हैं, श्री राम शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराग्वे गणराज्य में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में पराग्वे गणराज्य में भारत का नया राजदूत दिनेश भाटिया को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब देखिए जो बकाया ऑप्शंस हैं ये भी किसी न किसी देश में भारत के राजदूत हैं, तो सभी मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। संतोष झा ये उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत हैं, विक्रम मिश्री ये चीन में भारत के राजदूत हैं, हर्षवर्धन श्रृंगला ये संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बताया करता हूँ आप इन्हें कॉपी में नोट करते जाया करिए, ये आपके बाद में रिवाइज करने में बहुत हेल्पफुल होंगे, इसलिए बोलता हूँ वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। अर्जेंटीना गणतंत्र में भारत के राजदूत श्री दिनेश भाटिया को पराग्वे गणराज्य के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दिनेश भाटिया IFS 1992 बैच के अधिकारी हैं।
अब बात कर रहे हैं पराग्वे गणराज्य की, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। तो पराग्वे भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। पराग्वे की राजधानी एसनसियोन है। यहाँ के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनिटेज हैं और यहाँ की करेंसी गुआरानी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, PGCIL के नए CMD कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में PGCIL के नए CMD के श्रीकांत नियुक्त हुए हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब PGCIL क्या है, आइए इसके बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। तो PGCIL का फुल फॉर्म होता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या में वृद्धि को मंजूरी दी है, अब कुल जजों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो याद रखिएगा, अब कुल जजों की संख्या 33 हो जाएगी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों के बढ़ते बोझ को देखते हुए कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 30 से बढ़कर 33 हो जाएगी। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हैं, जो कि किस नंबर के हैं, 46वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब बात आती है कि 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं? तो बाघों की जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बाघ मौजूद हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। मध्य प्रदेश 526 बाघों के साथ देश में पहले स्थान पर है, कर्नाटक 524 बाघों के साथ दूसरे स्थान पर है और उत्तराखंड 442 बाघों की संख्या के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ने बाघों की जनगणना 2018 की रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि 2014 में बाघों में के लिए संरक्षित इलाकों की संख्या 692 थी, जबकि 2019 में ये बढ़कर 860 हो गई है। अब बाघ की बात की गई है, तो याद रखिएगा, हाल ही में 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था और बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथरा टाइग्रिस, और बंगाल टाइगर होता है जो कि पश्चिम बंगाल का बाघ, वह भारत का राष्ट्रीय पशु भी है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले देख लीजिए पश्चिम बंगाल मैप में, सॉरी मध्य प्रदेश मैप में यहां पर पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य की सीमाएं महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ लगती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। यहाँ की राज्यपाल हाल ही में लालजी टंडन बने हैं, जिन्होंने किनका स्थान लिया है, आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने रूस के साथ किस एयर टू एयर मिसाइल को खरीदने के लिए 1500 करोड़ रुपए का समझौता किया है? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने रूस के साथ R-27 मिसाइल को खरीदने के लिए 1500 करोड़ का समझौता किया है। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने रूस से 1500 करोड़ रुपए की R-27 मिसाइलों को खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। R-27 को 60 किमी की रेंज तक 25 किलोमीटर की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल का वजन 253 किलो है। नेक्स्ट, सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? तो हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य ने सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान शुरू किया है। अब क्यों शुरू किया गया है, आइए इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने हरियाली के संरक्षण और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में सेव ग्रीन स्टे क्लीन नाम से अभियान शुरू किया है। देखिए पश्चिम बंगाल मैप में यहाँ पर पड़ता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और हाल ही में यहाँ के नए राज्यपाल जगदीप धनखड़ बने थे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है।
नेक्स्ट, DPIIT के नए सचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में DPIIT के नए सचिव गुरुप्रसाद महापात्रा बने हैं। इससे पहले ये AAI के अध्यक्ष थे, तो ये भी आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के बारे में फुल डिटेल्स जान लेते हैं। डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्रा ने नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी कि DPIIT के सचिव का पद संभाला है। अब बात आती है भारत के उद्योग मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इसके साथ ही पीयूष गोयल रेलवे मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया